जी नमस्कार स्टूडेंट्स। सो आज का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 अप्रैल को, एज़ पर द प्रडिक्शन बिल्कुल 100% प्रडिक्शन करेक्ट गई है। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले मेरी प्रडिक्शन वीडियो भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। 29 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी लिसनिंग की बात करें तो काफ़ी ईजी थी। फर्स्ट सेक्शन में 8 MCQ और 2 ब्लैंक्स आई थी, और सेकेंड सेक्शन जो था वो पूरे का पूरा ब्लैंक से भरा हुआ था। और अगर हम बात करें उसके थर्ड सेक्शन की, तो थर्ड सेक्शन जो था उसमें आपको एक डायग्राम देखने को मिली और शॉर्ट MCQ थे। फोर्थ सेक्शन में पूरी ब्लैंक्स आई थी। अगर मैं बात करूं रीडिंग की, तो रीडिंग का फर्स्ट पैसेज काफ़ी इजी था। सेकंड पैसेज में, फर्स्ट पैसेज में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ ब्लैंक्स आई थी। सेकंड में आपको जो था विच पैराग्राफ कंटेंस वाले देखने को मिले, और उसके साथ कुछ दूसरे टाइप के राइटर ओपिनियंस वगैरह थे, ठीक है। और थर्ड जो था वो भी ईजी था। तो ये काफ़ी, मतलब अगर मैं ये बात करूँ तो रीडिंग जो थी काफ़ी ईजी थी, क्योंकि इस तीनों में आपको ब्लैंक्स जो हैं वो देखने को मिली हैं। तो ब्लैंक्स आपको काफ़ी ज़्यादा हैं वो देखने को मिली हैं, तो ये मैं यही मान के चलूँगा कि ये रीडिंग थी काफ़ी आसान आई है। अगर हम बात करें टास्क वन की, तो टास्क वन में बार चार्ट आया था एज़ पर द प्रडिक्शन, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के ऊपर था, ठीक है। ट्रेंड ऑफ 10 ईयर पीरियड था, कुछ 2 साल दिए हुए थे अलग अलग, 10 साल का उनमें गैप था, तो ये ट्रेंड चार्ट आपको देखने को मिला, ठीक है। अगर हम बात करें टास्क टू की, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा, मैं रीड कर देता हूँ। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मैन एंड वुमेन आर हैविंग चिल्ड्रन लेट इन लाइफ, वट आर द रीजन्स फॉर द डिवेलपमेंट एंड वट आर द इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिली हैं, ठीक है जी। तो काफ़ी ईजी एग्ज़ाम था, और अभी हम 6 मई के लिए जो है प्रडिक्शन डालने वाले हैं। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 6 मई के बाद जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत जल्दी प्रडिक्शन वीडियोज़ आने वाली हैं, 20 मई के लिए और 27 मई के लिए। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। शाम को लाइव करेंगे और रीडिंग लिसनिंग के आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच।